To Mala Non Kund Academy, my name is Ehsan Mala. Today we are going to discuss about some most important question of trigonometry. Dear student, आज हम इस lecture में discuss करना है trigonometry कुछ important question. इससे पहले हमने lecture number 3 में discuss किया था 8.1 के कुछ important question. इसमें से हमने दो solve किया था. आज हम और दो solve करेंगे आप लोगों को. ये क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec a इक्वल टू 13/12, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस. क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, गिवन सॉल्यूशन, सबसे सॉल्यूशन में पहले गिवन लिखना होता है. गिवन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है sec a इक्वल टू 13/12, ये हमें वैल्यू दिया है sec a का. तो हमें बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालना है. टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस होता है, इसमें से आपको sec दिया है. तो sec की मदद से बाकी आपको अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस निकालना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, जिसका नाम रखेंगे ए बी सी. और हम एंगल ए को लेके, एंगल ए को लेके हमें रिलेशन बनना है. तो sec थीटा जो sec किसके बराबर होता है, हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को. sec थीटा किसके बराबर, sec cos के उल्टा होता है. तो यहाँ पे और sec थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है sec थीटा, क्योंकि cos के उल्टा होता है वो. तो ये हमारा 13 हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस और 12 हमारा हो गया बेस. तो सबसे पहले हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने के लिए वी कैन फाइंड, सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा. ये हमें मालूम नहीं, इसको फाइंड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमें दो सेट मालूम है, तो तीसरा सेट फाइंड करने के लिए हम यूज अप्लाइंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे. पीजीटी पाइथागोरस हमें क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यह हमें बोलता है पाइथागोरस थ्योरम. जब हम इनका वैल्यू पुट करेंगे, हमें हाइपोटेन्यूस दिया है 13 का स्क्वायर और हमें बेस दिया है 12 का स्क्वायर और हमें बीसी का स्क्वायर यह हमें निकालना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है और यहाँ बी सी का स्क्वायर. अब हम बी सी का निकालने की, इसको ट्रांसपोज करेंगे. बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 169 में से हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस हो जाएगा 144. जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से हमें आंसर निकाल के आएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 25. कितना बचेगा, 25. जब हम बी सी हमें निकाल रूट को, स्क्वायर को हम ट्रांसपोज करेंगे LHS टू RHS, तो हमें अंडर रूट 25 हो जाएगा. अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 के वैल्यू आता है हमें 5. तो हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया 5 मिल गया. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया. अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको मिटा देंगे आप लोगों को. यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो हमें करना क्या है, तमाम बी सी का वैल्यू भी मिल गया. तो हमें सबसे पहले हमें निकालेंगे, हम यहाँ पे हम पहले साइन का निकालेंगे. साइन ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है. तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 5 और हमारा हाइपोटेन्यूस है 13. 5/13 आया. इसी तरह हमें निकालना है कॉस, कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. हो गया यहाँ पे बेस हो गया हमारा 12/13, ये भी आ गया आपका. इसके बाद हमें निकालना है और एक टैन थीटा, टैन ए निकालना है. टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा. तो परपेंडिकुलर हमें आ गया 5, बेस हमारा है 12, ये भी निकाल चुके हम. और इसके बाद हम अगला है हमारे पास क्या बच गया, और कोसेक बच गया. कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन, क्योंकि साइन के उल्टा होता है कोसेक, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. तो इसको उल्टा करो आप, 13/5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया. अब हमने साइन भी निकाल चुका है, कॉस भी निकाल, कोसेक भी और टैन भी, और एक रह गया हमारा कॉट.
कॉट, कॉट किसके उल्टा होता है, टैन के उल्टा होता है। इसको उल्टा करो, अगर हमारे पास कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको टैन को उल्टा करो तो हो जाएगा 12/5। इसी तरह हम हर किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या बोल रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवालेट करने आपको ये सॉल्व करना है, 1 + sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 - sin थीटा। पहले ये इवालेट करना है, इसके बाद आपको कॉट स्क्वेयर भी इवालेट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरह करेंगे आप देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम बहुत सिंपल है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमें हमें गिवन क्या दिया है, हमें गिवन दिया है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर है, 7/8। तो आप सब लोगों को पता है कॉट का फॉर्मूला क्या आता है, कॉट जो बराबर होता है वो टेन के उल्टा होता है। हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ए बी सी रखेंगे। अब मान ली इसको हमने थीटा रखा, अब यहाँ पे एंगल थीटा रखा है, अब थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, हमारा बेस बन जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाता है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बन जाता है, और नीचे वाला बेस बना जाता है एडजेसेंट सेट। तो सबसे पहले हमें कॉट का वैल्यू, यहाँ पे कॉट होता है हमारे टेन के उल्टा, तो हो गया कॉट होता है, हमारा फॉर्मूला पता है आप लोगों को, कॉट इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन, तो हमारा बेस है हमारा 7 और हमारा परपेंडिकुलर है हमारा 8। ठीक है, परपेंडिकुलर 8 है, बेस 7 है, तो हम इसको निकाल सकते हैं इजीली, इजीली हम इसको फाइंड कर सकता है। तो सबसे पहले हमें साइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो हम अगेन क्या करेंगे, अप्लाइंग पीजीटी, अप्लाइंग हम पीजीटी इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस हमें क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया और बी सी का स्क्वायर हमें 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल के आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 64। जब हम इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। जब हमने स्क्वायर को इससे यहाँ पे स्क्वायर को ट्रांसपोज किया लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा 113, अंडर रूट 1, हाइपोटेन्यूज हमारा आएगा अंडर रूट 113। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को इवालुएट करेंगे, तो हम इवालुएट करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इवालुएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल गया, ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 7 है, और हाइपोटेन्यूज हमारा मिल गया अंडर रूट 113। अब हम इसको इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 8/113, अंडर रूट 113 आएगा। इसके बाद हमें कॉस निकालना है, साइन हमें निकाल चुका है, कॉस साइन और कॉस चाहिए हमें, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 7/√113, ये आ गया। अब ये दोनों आपको निकाल चुका है, अब हमें इवॉल्यूट करना है इस क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में हम सॉल्व करेंगे, 1 यहाँ पे 1 + sin थीटा, साइन का वैल्यू आ गया अभी हमें 8/√113 आ गया, अभी हमने सॉल्व किया। 1 - sin थीटा 8/√113, अब डिवाइड बाई यहाँ पे 1 + माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अभी 7/√113, यह अभी सॉल्व किया था आप लोगों ने। अब इसके बाद 1 - cos थीटा, cos थीटा की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं
सेवन अपॉन अंडर रूट 113। अभी आपने सॉल्व किया था, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो एक फार्मूला याद आता है हमें, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला तो आपको याद होगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया माइनस बी का ये होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेवन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वन का स्क्वायर हमेशा के लिए वन होता है, माइनस एट का स्क्वायर 64 होता है, रूट और स्क्वायर कट हो गया 113 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे भी इसी तरह से कर सकते हैं, वन का स्क्वायर वन, सेवन का स्क्वायर 14, नाइन वन 113, रूट और स्क्वायर कट हो जाएगी क्योंकि होल दोनों को होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 64 अपॉन 113, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 11 यहाँ पे आ जाएगा आपको। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113, यहाँ पे 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, ये और ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर 113 में से 64 निकलेगी तो हमें बच गया 49 बच जाएगा, और यहाँ 113 में से 49 निकलेगी तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 64। तो इसका आंसर आएगा 49 अपॉन 64। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, अब हमें दूसरा भी पार्ट करना है, दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वेयर थीटा, ये तो बहुत ईजी है। तो कॉट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू होता है 7/8 होता है, हमें 7/8 है ये दिया है, तो हमें हमें सेकंड पार्ट करना है कॉट स्क्वेयर थीटा, कॉट स्क्वेयर थीटा। तो हमें पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 7/8। जब इसको इसमें पुट करेंगे तो 7/8 का होल यहाँ पे हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वेयर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वेयर 49 और 8 का स्क्वेयर 64, इसका ये आंसर है। बहुत सिंपल है ये तो, बहुत इजी है। कॉट स्क्वेयर आपको पुट करना है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमें 7/8 का होल स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर 49, 8 का स्क्वेयर 64, ये आपका आंसर।